ये जो गाड़ी देख रहे हो आप, ये डार्क एडिशन के अंदर आ चुकी है महिंद्रा की XUV700। ये गाड़ी अभी लॉन्च हुई है रिसेंटली, और इसके अंदर जो चेंजेस हैं बहुत सारे अमेजिंग चेंजेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। अब क्या क्या चेंजेस है वो आपको सारा कुछ भाई बताते हैं। तो इस तरह का गाड़ी का जो इंटीरियर देख सकते हो, पूरा आपको बड़ा से इस तरह का रहने वाला है, जो कि पहले भी इस तरह के देखने के लिए मिलता था। इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो आपको दिखाते हैं। बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलता है। पीछे की तरफ जो सीट्स हैं आपकी, जो सीट्स हैं वो पूरी वेंटिलेटेड, और बॉस चेयर का ऑप्शन है आपको देखने के लिए मिल जाता है। अभी जैसे इसको करते हैं हम, तो ये है भाई इस तरह की जो सीट्स हैं आपकी वेंटिलेटेड आ गई है पूरी। जैसी सीट्स के ऊपर बैठते हैं तो भाई यहाँ पे आइसोफिक्स का आपको जो बटन है वो देखने के लिए मिल जाता है। तो सारी सीट्स है वेंटिलेटेड पूरी होने वाली है, और लुक्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है जो गाड़ियाँ हमें देखने के लिए मिलती है। तो एक्सपीरियंस कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल का आता है। इस तरह का जो लेदर के अंदर पूरी सीट्स हैं आपको मिलती हैं, तो भाई ये बॉस चेयर का जो ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिया गया है। और लेग स्पेस भी आप देख सकते हो, काफ़ी अमेजिंग लेग स्पेस है। अगर आपको पीछे जाना है, पीछे की तरफ बैठना है, तो गाड़ी के अंदर पीछे बैठने के लिए तो आपको, तो पीछे की तरफ जो एक्सेस लेने के लिए आपको ये बटन दे रखा है। तो इस तरह से एक ही बस मोड के अंदर, एक सेकेंड, तो आपको बस एक ही बटन दबाना है, आपकी तुरंत फोल्ड होके आ जाएगी गाड़ी और पीछे की सीट पे आप जा सकते हो। तो इस तरह के भाई लुक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एकदम शाइनी जो कलर है ब्लैक कलर इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपकी जो बैजिंग है वो मिल जाती है। तो इस तरह की जो हमारी XUV700 जो नए वेरियंट आया है XL7L, ये गाड़ी आपको देखने के लिए मिल रही है। कैसी लग रही है गाड़ी एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। इसके अंदर सबसे अमेजिंग चीज प्लस डोर हैंडल्स जो देखने के लिए मिलते हैं, गाड़ी के लुक्स काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाते हैं। और इसके अंदर पीछे एसी वेंट्स रियर में देखने को मिलता है। सबसे अमेजिंग तो मेरे को इसका जो सनरूफ है वो लग रहा है, और यहाँ पे पियानो फिनिश के साथ में पूरी जो गाड़ी आपको देखने के लिए मिलती है, पावर विंडो स्विचेस। तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके गाड़ी भाई अच्छी बना दी है, और यहाँ पे भी कंफर्टेबल काफ़ी, आप देख सकते हो कितना लेग स्पेस है पीछे की तरफ। और ये आपकी जो बॉस चेयर है वो देख लो भाई, इस तरह की जो गाड़ी है पीछे की तरफ आपके तो दो सीट्स हैं, सारे कुछ देखने के लिए। देख ली हाँ देख ली अंकल जी। अंकल जी कह रही है इस तरह की गाड़ी होने वाली है। और फ्रंट्स में आपकी जो सीट्स है कुछ इस तरह की रहेंगी, और आपका ड्राइविंग का जो कंसोल है पूरा देख सकते हो किस तरह का डैशबोर्ड लेआउट है गाड़ी का, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ भी दिखाते हैं आपको डैशबोर्ड लेआउट है कैसा होने वाला है। तो चलते हैं भाई आगे। तो इस तरह का भाई इस गाड़ी के डोर, तो इस तरह के भाई इसका जो कैबिन है, आपके जो सीट्स है भाई ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। तो भाई इस तरह का गाड़ी का जो इंटीरियर है पूरा देखने के लिए मिलता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इंटीरियर जो गाड़ी का बनाया गया है देख लो। बाकी लुक्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है गाड़ी। मैंने भाई के वो रोक दी भाई, मैंने दूसरे शूट चल रहे थे। तो लुक्स के मामले में, फील के मामले में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये है महिंद्रा XUV700 का डार्क एडिशन जो कि अभी लॉन्च हो चुका है।